कि बहुत लोग कहते हैं 56 करोड़ देवता और कोई बहुत लोग कहते हैं 33 करोड़। 50 गो देवता के नाम गिनाइए तो कोई आदमी, छोड़ दीजिए 56 करोड़, 33 करोड़, 50 का नाम गिनाइए। पूजा कितने की चल रही है, भगवान की जनसंख्या कितना है और पूजा कितने की चल रही है। अभी मैं सुन रहा था जागर जागर महादेव, एक महादेव के पूजा करने से काम चल जाएगा। घर में अगर 20 आदमी हो और एक आदमी को पंगत करा दिया जाए, 19 को छोड़ दिया जाए, घर जलेगा कि बचेगा? वो घर जलेगा कि बचेगा? अरे महादेव जी, कम से कम 3 भाई हैं, बड़ा का नाम है ब्रह्मा, मझिला का नाम है विष्णु और छोटा का नाम है महादेव। गांव में कोई 3 भाई है, एक भाई को निमंत्रण देके खिला दीजिए और 2 भाई को छोड़ दीजिए। वो 2 भाई आपसे दोस्ती रखेगा? जिसको आपने छोड़ दिया तो एक महादेव जी के भजन करने से बेरा पार हो जाएगा क्या? आ कहीं रास्ते में विष्णु जी मिल गए तो सारा मिर्गी आपका उतार देंगे उसी जगह, तब आपका भजन हो गया, आप सतलोक चले जाएंगे, बैकुंठ चले जाएंगे। आप राम के भजन करते हैं, भगवान राम 2-4 नदी पार करेंगे और 5वां नदी पर रावण मिल जाए तो सारा मिर्गी उतार देगा, तब आप चले गए बैकुंठ, कल्याण आपका हो गया। किसका भजन किया जाए? साहब कबीर कहते हैं, भजू तो को है भजन को, कौन तुम्हारा हित है, कौन तुम्हारा दोस्त है जिसका भजन किया जाए, और तुम्हारा दुश्मन कौन है जिसको तज दिया जाए। ये भजने तजने के बीच में सब पड़े हैं, सब राग द्वेष में पड़े हैं, एक को भजते हैं दूसरे को गाली पड़ते हैं, यही राग और द्वेष, राग और द्वेष में फंसे, भजन कहां होगा?